दोस्तों, किंग खान के साथ सलमान बहुत बड़ी साईफाई फिल्म करना चाहते हैं। खबरों की माने तो ये फिल्म बहुत बड़े बजट पर बनेगी। वही दोनों एक्टर फिलहाल दूसरी फिल्मों में बिजी चल रहे हैं। शाहरुख खान द किंग को लेकर काफी बिजी है और सलमान अपनी फिल्म द बुल की शूटिंग कर रहे हैं, उसके बाद वो इस फिल्म पर काम करेंगे। वही किंग खान के पास धूम 4 जैसी बड़ी फिल्में भी सामने आई हैं, जिनको लेकर वायारिफ अनाउंसमेंट कर सकता है। शाहरुख अपनी अगली फिल्म एक्शन प्लान कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल एक्शन फिल्में ही ज्यादा चल रही हैं। दोस्तों, शाहरुख खान की अगली फिल्म को लेकर बड़ी खबर सामने आती है कि डंकी के बाद अब शाहरुख साउथ के सबसे बड़े डायरेक्टर लोकेश कनगराज के साथ फिल्म बनाने वाले हैं। फिल्म टाइटल पंथर हो सकता है, जो कि फाइनल होना अभी बाकी है। लेकिन दोस्तों, लोकेश साउथ के बहुत बड़े एक्शन डायरेक्टर हैं और वो किस लेवल पर शाहरुख को दिखाएंगे आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी फिल्म का स्टोरी एक्शन काफी शानदार होता है। ये फिल्म जब भी आएगी रिकॉर्ड बनाएगी। इसके अलावा 3 बड़ी फिल्म शाहरुख खान के हाथ लगी है, जिनका अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, और अब इसके बाद वह अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में लग गए हैं। फिलहाल की अपडेट के मुताबिक किंग खान इस बात से बेहद खुश हैं कि उनका साल कैसा गुजरा, क्योंकि उनकी मेहनत अच्छी रही और फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही हैं। खबरों की माने तो शाहरुख खान साल 2024 के अगले महीने में 3 फिल्मों की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। उन्होंने कहा, इंडस्ट्री में हर कोई उनके अगले प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड है, लेकिन एसआर के किसी भी फिल्म को चुनने में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। पहले स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, फिर चीजें आगे बढ़ेंगी। वही आपकी जानकारी के लिए बता दे कि शाहरुख किसी बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने वाले हैं और उनकी आने वाले समय में काफी एक्शन फिल्में देखने को मिलेगी। शाहरुख हमेशा अपनी ऑडियंस के लिए कुछ नया लेकर आते हैं और इस बार भी वो बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं।